यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स चैनल के माध्यम से मैं करदम रावल आप सभी भारतवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2018 विश करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं भारत माता की जय के साथ। तो यहां पर आज 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे 2018 का बुधवार, और यहां पर टीम यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स की तरफ से मैं करदम रावल आप सभी के लिए लेके आया हूं द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। तो आज जो है कम्प्लीटली डिकोड करेंगे, और यहां पर जो है इंडिपेंडेंस के साथ कनेक्ट करता हुआ भी आज एक एडिटोरियल आया है, और यहाँ पर हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो यहाँ पर 9 सब्जेक्ट्स का जनरल स्टडीज का कोर्स हमने डिजाइन किया है, 300 आवर्स के टाइम फ्रेम में, 350 लेक्चर्स, 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हर महीने, मंथली करंट अफेयर 2019 तक इसकी वैलिडिटी जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है, और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर अप कर लिए है। प्राइजेस आर वेरी अफोर्डेबल 3999, एंड यू कैन अवेल कूपन कोड। ये वीडियो पूरा देखे आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पर जो है इसी मुताबिक हम कहते हैं कि ये जो आपके ऑफलाइन कोर्सेज है इससे ये काफी बेहतर है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, वेबसाइट चेकआउट करें, डेमो लेक्चर्स चेकआउट करें, बाद में आप डिसाइड करें कि आपको ये हमारा कंटेंट जो आपके लिए लेके आते हैं वो पसंद आता है कि नहीं। आज का मंत्र से शुरुआत करेंगे, पिछले एडिटोरियल के पूछे गए क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, फन फैक्ट में आज का ज्ञान, भारत को कनेक्ट करता हुआ करंट अफेयर से दो मुद्दे जहां पर क्वेश्चंस पूछे जाने की आशंका होती है, ऐसे दो पॉइंट्स लेके आते हैं। उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपी की प्राइस जो है उसके रिगार्डिंग जो है और कहां कहां पर भी इसके प्रभाव पड़े हैं और इसके पीछे का रहस्य क्या है, और सिर्फ क्या डॉलर के सामने पैसा ही जो यानी कि रुपया हमारा जो है वही नीचे जा रहा है, या फिर और करेंसीज भी है जो भी इस तरीके की समस्याओं का सामना कर रही है। सारे मुद्दे को जो है बिखूबी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर जो है गोपाल कृष्ण गांधी ने एक बहुत ही उम्दा आर्टिकल दिया है द हिंदू के अंदर, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम। तो ये जो मसला है पूरा का पूरा, ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो 1947 में पहली दफा भारत आजाद हुआ था, तब से लेके अब तक की दास्तान जो है इसको यहाँ पर दोहराता है, और यहाँ पर जो हमारे पास्ट लीडर्स थे उनके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है पॉइंट्स रखे गए हैं, और यहाँ पर जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा उसके साथ कंपेयर करके इलाबरेट करके टॉपिक दिया है। ये डिस्कशन थोड़ी सी लंबी होने वाली है इस आर्टिकल की, तो इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर जो है कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी तरीके के क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के साथ कनेक्ट करते हुए। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये है वोकेबुलरीज जहाँ पर आपको मिलेंगे 10 शब्द जो आपकी राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करेंगे ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग के मुद्दों के ऊपर। तो यहाँ पर जो है आज का मंत्र, टू ऑल सोल्जर्स हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फॉर द नेशन, टू द मदर्स हु लेट देम, अ बिग सैल्यूट टू देम दिस इंडिपेंडेंस डे। तो आज जो है हम उन सभी जवानों को याद करके, उनकी माताओं को याद करके, उन सभी को सलाम करते हैं कि उसने इस गर्व भूमि हमारी भारत देश की भूमि के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। तो उसको याद करते हुए आज के जो है हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पिछले एडिटोरियल में पूछा था कि तत्काल सेवा जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग एक प्रपोज इनिशिएटिव है वो कौन से स्टेट के अंदर अभी जो है आने वाला है, तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आसाम। करेक्ट आंसर पंजाब है, और यहाँ पर रुचि चौहान, डोली बुद्ध, अर्पित जोशी, मीनू पांडे, अहमद खान, स्वेच्छा सिंह और रिंकू कुमारी ने यहाँ पर सही जवाब दिया है, और पिछले ट्यूटोरियल में हमने समीक्षा वर्मा जी का नाम जो है गलत पुकार लिया था, तो यहाँ पर हम उसकी माफी मांगते हैं समीक्षा वर्मा जी, और आप जो है ये उम्दा आंसर हमेशा से देती आ रही है जब से हमारे यहाँ पर कमेंट करना आपने शुरू किया है। तो ये आज का प्रश्न जो दिलाएगा आपको मौका हमारे कोर्स के रिगार्डिंग वीडियो कोर्स के लिए, और आपका यहाँ पर नाम भी दर्ज जरूर से किया जाएगा। तो यहाँ पर आज का जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑफिशियली अपॉइंटेड न्यू यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, दिना कवर, मैरी रॉबिन्सन, रिकार्डो लागोस या फिर मिशेल बैकलेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिए, और आपका नाम हम यहाँ पर जरूर से इंक्लूड करेंगे, और इसी के साथ आपको हमारे कोर्स के रिगार्डिंग कूपन कोड भी मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं वहां पर आप अपना नाम बताकर कूपन कोड प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका जवाब सही रहा तो।
आज का ज्ञान यानी कि भारत के साथ कनेक्ट करता हुआ यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि 12 अगस्त को हर साल हम वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है मनाते हैं, और यहाँ पर जो है वर्ल्ड के यहाँ पर जो सारे एलिफेंट्स होते हैं जिसको जेंटल जायंट के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके प्रोटेक्ट और हॉनर की यहाँ पर बात होती है। तो आज जो है वो क्रिटिकल थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं, और क्या-क्या उनके रिगार्डिंग समस्या है एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स की, तो उनके रिगार्डिंग नॉलेज और पॉजिटिव सॉल्यूशंस और बेटर केयर मैनेजमेंट और कैप्टिव किस तरीके से अचीव किया जा सके वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए भी, इन सारे मुद्दों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हुई थी 12 अगस्त को। और यहाँ पर जो है भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर गज महोत्सव नाम का एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज हुआ था 2018 के जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है उसके रिगार्डिंग। तो दिल्ली के अंदर यहाँ पर 101 एलिफेंट अलग अलग तरीके के उनके इंस्टॉलेशंस जैसे कि फोटोग्राफ्स जो आर्टिस्ट और परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है दिल्ली बेस्ड रॉक बैंड यूफोरिया ने दिए थे जो पलाश शेन का है। तो इन सभी चीजों से जो है हमें एनवायरमेंट और एनिमल के साथ जोड़ने की कड़ी जो है बनाया जाता है। दूसरी बात कि अगर उनका एग्जिस्टेंस हमें चाहिए तो हमें मेनली फोकस करना है एनवायरमेंट के प्रॉस्पेरिटी के साथ उसके डेवलपमेंट की। अगर पेड़ पौधे जंगल वगैरह नहीं रहेंगे तो ये जो सारे के सारे एनिमल्स है ये डे बाय डे इनकी पॉपुलेशन डिटोरिएट होती चली जाएगी, और ये जू में या फिर सर्कस में काम कराने के लिए नहीं होते, ये मेनली होते हैं जंगलों में बेपनाह बेबाक घूमने के लिए। तो उनके रिगार्डिंग चाहिए जंगल और एनवायरनमेंट। और यहाँ पर जो इवेंट था ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट जो है वो हमेशा से यही कोशिश करता रहा है कि लोगों को एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो है प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहे, और जंगलों को प्रोटेक्ट करने का ये एफर्ट्स करते रहे ताकि वाइल्ड लाइफ जो है वो अपना जीवन खुशामदी से निर्वाह कर सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मफसी है वो भी यहाँ पर इसके कनेक्शन में काम कर गई इसके साथ 12 अगस्त 2018 को। सोमनाथ चटर्जी 89 साल की एज के ऊपर जो लोकसभा के स्पीकर थे और वेटरन लीडर भी थे वो कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर 13 अगस्त 2018 को गुजर गए हैं। चटर्जी जो है उन्होंने 5 साल की टर्म एज स्पीकर काम किया था 2004 से 2009 जब यूपीए की गवर्नमेंट की सरकार यूपीए की सरकार के अंदर उनका पहला 5 साल का जो टर्म था उसके अंदर, तो वो लोकसभा के अंदर जो है 10 बार जो है वो 1971 से जो है जीते थे, लोकसभा के मेंबर रहा करते थे 10 टर्म के लिए 10 साल तक, यहाँ पर 10 टाइम्स साल तो इससे भी ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर ये कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे, इंडिया की जो मार्क्सिस्ट पार्टी है सीपीआईएम 1968 से, और ये 2008 तक इसके मेंबर रहे तकरीबन 40 साल तक, और इनको बाद में 2008 के जुलाई में निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया एज अ स्पीकर। और बाद में जो है यूपीए की गवर्नमेंट के साथ सीपीआई और एम का जो है नाता टूट गया, और बाद में जो है वो बाकी का जो अपने जिंदगी का 10 साल का सफर था 2008 से 2010 का जो लास्ट दशक, उस दशक के अंदर वो इंडिपेंडेंट ही रहे, किसी भी पार्टी के साथ उन्होंने अपना नाम जो है नहीं जोड़ा। और फाइनली 89 की एज में सोमनाथ चैटर्जी जो है वो चल बसे 13 अगस्त 2018 को। तो हो सकता है कि कोई एग्जाम्स के अंदर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए दोस्तों डिस्कशन शुरू करते हैं डॉलर वर्सेस रुपी। तो यहाँ पर जो है 7 अगस्त को देखे तो 68.68 रुपीज था हमारा रुपी डॉलर के सामने, 8 अगस्त को देखिए 68.63 था, उसके बाद 9 अगस्त को 68.68, 10 अगस्त को 68.83, और 11th और 12th का डेटा नहीं, और 13 अगस्त को 69.93 और 14 को 69.89। तो यहाँ पर एक ही दिन में 1 रुपए और 10 पैसे डॉलर जो है हमारे मुकाबले स्ट्रॉन्गर हुआ, और हम जो है 1 रुपए और 10 पैसे डॉलर के सामने वीक हुए। तो क्या है इसके पीछे की दास्तान और कितनी इफेक्ट जो है इसकी पड़ने वाली है हम सभी लोगों के ऊपर। तो इंडिया की रुपी जो है वो डॉलर के सामने डे बाय डे कमजोर होती चली जा रही है। वर्ष की शुरुआत में आप देखें तो 63.84 थी, और ये आज अब तक जो है 70 का मार्क जो है ऑलमोस्ट अचीव कर चुकी है, और यही हाल है मंगलवार से टर्की की लीरा का।
तो यहां पर क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है ही है, लेकिन दूसरे भी यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ पर पहले लीरा की बात कर लेते हैं कि लीरा जो है वो 40% जो है ये इस साल के अंदर जो है देखने को मिला है। तो यहाँ पर लीरा का जो डाइल्यूजन है 40% का, इस 40% जो स्लिप हुआ है डॉलर के सामने लीरा, तो यहां पर जो है सिर्फ 2 दिन फ्राइडे और मंडे के अंदर 16% और 6.7% जो है करेंसी के अंदर क्राइसिस देखने को मिली। तो इसके पीछे बहुत सारे रहस्य है, जैसे कि टर्की की करेंसी का पीछे जो रहस्य है कि उनकी क्राइसिस क्यों है, तो यूएस के साथ उनके रिलेशन। तो यहां पर जो है यूएस ने जो है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, तो इन्होंने जो है पुनिटिव टैरिफ जो है लागू कर दिया है स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट के ऊपर, स्पेसिफिकली नाटो मेंबर कंट्रीज। रिलेशन जो है यूएस और टर्की के ये बहुत ही टेंस है। तो वॉशिंगटन जो है ये इस्लामिक क्लरिक जो चार्ज है इसके ऊपर, रिसेप तैयब अर्डोगन गवर्नमेंट के ऊपर, तो इन सभी मास्टरमाइंड जो एक्टिविटीज इन्होंने की है मिलिट्री कॉप 2016 ने, इसके कारण जो है डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर काफी नाराज है। तो यहाँ पर सिर्फ टर्की का ही मसला नहीं है कि टर्की की जो सिचुएशन है वो खराब है, इवन टर्की बैंक जो है वो भी काफी कॉलेप्स हुई है। तो इसके अलावा जो बायलेटरल रिलेशन है वो भी सही नहीं है लीरा के, इसके कारण डॉलर के सामने लीरा बहुत आज जो है तकलीफ के अंदर है। सेम सिचुएशन है साउथ अफ्रीका के रांड की, तो साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है रांड, वहां पर भी ये सभी मंडे को भी ये बिगेस्ट वन डे सिंगल जो ऐसा ड्रॉबैक देखने को मिला जो पूरे एक दशक के अंदर देखने को नहीं मिला। तो हमारी अगर बात करें तो हमारी 68.5 से लेके 70 की जो रेंज बनती है 1.5 रुपए की, ये थोड़ी सी इसके पीछे जो सपोर्टिव एंगल है वो एक स्टॉक मार्केट एंगल है कि भाई हमारा जो सेंसेक्स है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ट्यूसडे को भी यहाँ पर थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, 0.5% यहाँ पर। दूसरी ओर अभी हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है अगर इन्फ्लेशन को साथ में लेके चले 16-17 का, तो ये सब सही जा रहा है। हमारी परचेजिंग पावर जो है ये थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, वेरेज जो हमारे फॉर्मर इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे कौशिक बासु, उनका कहना है कि अगर 70-71 की भी रेंज आ जाती है तो यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंटली हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये 400 बिलियन का है। और अगर हम एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है बदलाव आ सकते हैं। दूसरी ओर रिजर्व बैंक ने जो हाल ही के अंदर चेंजेस किए हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के, तो इसके मुताबिक यहाँ पर अक्टूबर से जो है हाइक देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। ग्लोबल फ्लाइट अगर आप देखें तो भाई ग्लोबल फ्लाइट देखें तो यहाँ पर सेफ्टी टुवर्ड्स जापानीज येन, तो ये डॉलर जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑयल प्राइसेस जो है ये अभी एक रिस्की सिचुएशन है, काफी वॉलेटाइल मार्केट है ऑयल की। तो हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है अगर हम अगर इस चीज को पॉजिटिव तरीके से देखें और यहाँ से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो ये हमारे लिए बहुत ही उम्दा सिचुएशन होगी। तो इस आर्टिकल के अंदर इतना ही, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स ने क्या कहा, इकोनॉमिस्ट ने कि भाई ये सही जा रहा है, इसमें कोई मुश्किलें नहीं आएगी, लेकिन हमें इस चीज का फायदा उठा के हमें जो है हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। इस आर्टिकल के अंदर इतना ही, दूसरा आर्टिकल जो है उसको शुरू करने से पहले जो भारत का प्लेज है उसको एक बार पढ़ना है। भारत मेरा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है, मुझे अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर मुझे गर्व है, हम इसके सुयोग अधिकारी बनने का सदा प्रयत्न करते रहेंगे और मैं अपने माता पिता शिक्षकों एवं गुरुजनों का सदा आदर करूंगा और सबके साथ शिष्टा का व्यवहार करूंगा, मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, उनके कल्याण और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। तो ये जब हम स्कूल के अंदर हुआ करते थे तो हमारी जो भी स्टेट हो उसकी फ्रंट पेज के ऊपर जो है ज्यादातर पब्लिकेशंस जो है प्लेज को प्रकाशित करती थी, या फिर स्कूल के अंदर जो हम डायरी कैलेंडर वगैरह लेके जाते थे वहां पर भी जो है हमें ये पढ़ने को मिलता था। कई स्कूलों के अंदर अंग्रेजी में, कहीं के अंदर वर्नेकुलर लैंग्वेज और कहीं के अंदर हिंदी भाषा के अंदर। तो यहाँ पर शुरू करते हैं वर्ड ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे
वो दिन है जब भारत आजाद हुआ, और ये इवन प्राइम मिनिस्टर डे भी है, तो उसी दिन से भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर वर्ड लागू हुआ। तो यहाँ पर जो है 15 अगस्त 1947 जवाहरलाल नेहरू से शुरुआत हुई, और यहाँ पर जो है हमारी जो निश्चित डेस्टिनी थी उस तक हम पहुंचे, पार्लियामेंट तक हम पहुंचे। रेड फोर्ट से हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने हमारे भारत के राष्ट्र ध्वज को जो है सारे देश के लिए लहराया। तो नरेंद्र मोदी जो है अब भी इस बार रेड फोर्ट से इसी तरीके का आज जो है सुबह सुबह इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करवाएंगे, ध्वज वंदन करवा के। 15 अगस्त है आज, और यहाँ पर लाल किले पर ये जो है पूरी एक्टिविटीज होगी। तो हम जब जुलूस के अंदर होते हैं तो भारतवासी होते हैं, और उन सभी जुलूस के आगे जो खड़ा रहता है वो होता है उन सभी का लीडर, हमारा देश का, हमारा सबका लीडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पीएम ऑफ ऑल इंडिया जो ये टॉपिक है, यहाँ पर अब तब से लेके अब तक की यहाँ पर बात हो जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक वो पर्सन है जो सभी भारतवासियों के प्राइम मिनिस्टर है, चाहे आपने उसको मत देके जिताया है, चाहे आपने उसको मत नहीं दिया है, चाहे आपने नोटा को मत दिया है, लेकिन ओवरऑल अल्टीमेटली बात क्या बन के आती है कि वो जो है वो चाहते हुए ना चाहते हुए, चाहे उनको किया या किसी और को वोट किया, या फिर जो है आपने नोटा किया, यानी कि नन ऑफ द अबव, लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री जरूर से है। तो नेशनल फ्लैग को अनफर्ल करेंगे, यानी कि लहराएंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसको अलग अलग भाषा के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आप देखे तो संस्कृत में कहते हैं वयम भारतस्य जनाहा, उर्दू के अंदर हम हिंद की आवाम, उसके बाद तमिल के अंदर नाम इंतियाई इंतियाविन मकल, और यहाँ पर जनाह कहे या आवाम कहे या मकल कहे, इन सभी का मतलब है कि हम भारत के लोग, भारत के नागरिक। तो नेहरू ने ऐसा 17 बार किया है, बहादुर यानी लाल बहादुर शास्त्री ने, और अटल बिहारी वाजपेयी ने, और इन सभी की स्पीचेस जो थी वो ज्यादातर हिंदी के अंदर ही थी। बाकी जो आए जैसे कि जयप्रकाश नारायण, जिनको ये अवसर नहीं मिला, लेकिन इन्होंने कहा था सम वुड ऑल्सो विश वन इंडियन विथ एन अनयूजुअल मैग्नेटिक अराउंड हिम हेड हैड द चांस टू रेज दैट फ्लैग। हर कोई हिंदुस्तानी ये चाहेगा कि उनको ये एक ऐसा अवसर मिले कि लाल किले से या फिर ऐसी कोई जगह से उनको भारत का ध्वज लहराने का मौका मिले। इवन मैं तो जरूर चाहूंगा, ऐसा कहता है राइटर। और यहाँ पर फेडरलिस्ट और रिपब्लिकन्स, अगर इंडियंस की बात करें तो यहाँ पर रीजनल लीडर को भी ये मौका मिला है, के कामराज, सीएन अन्ना मदुराई, सीएमएस नामबुदी रिपद और ज्योति बासु जैसे लोगों को भी। इवन यहाँ पर एचडी देवगाड़ा जो सदर्न स्टेट से आए, कर्नाटका से, और यहाँ पर जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का अवसर मिला। और यहाँ पर जो है हिंदी जो है ये एक प्लेटफॉर्म नहीं रह गया कि सिर्फ हिंदी जानने वाले या हिंदी लोग ही, बोलने वाले लोग ही भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बाद में आई इंदिरा गांधी, जिन्होंने जो है यहाँ पर जो चिल्ला चल रहा था उसको चेंज कर दिया। इवन वुमेन जो है वो भी भारत की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। महिलाओं के अंदर अगर हम देखें कि भाई इंदिरा गांधी के अलावा अगर कैसे बड़े बड़े नाम थे, तो सुचित्रा कृपलानी, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, फिर हंसा मेहता, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, एजा रसूल और कमला देवी चट्टोपाध्याय और मृणाल गौर। तो यहाँ पर जो है इन सभी लेडीज का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान था। इंडिपेंडेंस डे की अगर हमें बात करनी है तो ये भारत की मिट्टी की याद दिलाती है, और जो लीडर्स होते हैं वो बीज जैसे ग्राउंड के अंदर होता है, उसी तरीके से जमीन के अंदर से आते हैं, और यहाँ पर किसी भी सिचुएशन को जो है ये समझते हुए अपॉर्चुनिटी के अंदर उसको देख के जो है भारत के लिए कुछ विघ्न का अंत करते हुए विधाता का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पर 15 अगस्त नेहरू के एग्जाम्पल से बात फिर से शुरू कर देते हैं कि भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, 15 अगस्त 1947 को उन्होंने जब बात की तो उनको एक बात याद आ जाती है। राइटर कहते हैं कि उन्होंने स्पीच के दौरान अनऑफिशियल माइक पर नहीं बल्कि स्टेज पर कहा था कि अगर यहां पर मेरे पास, मेरे बाजू में खड़े होके नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर ये प्रवचन दे रहे होते, या मेरे बिहाफ पे मैं नहीं बल्कि वो होते, तो
तो मैं बेहद खुश होता। अगर वो कहीं है तो भारत की आवाम उनको आवाज लगा के कहती है कि आप आइए और इस अवसर को आप जो है हम तक पहुंचाइए, भारत के तिरंगे को आप जो है लाल किले से लहराइए, और अगर आपको वापस आना था आना है तो यही सबसे उम्दा समय है भारत की आवाम के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करने का। तो ये जो वर्ड्स थे जवाहरलाल नेहरू के, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि उनके दिल में कितना आदर और सम्मान है। जवाहरलाल नेहरू के दिल में सुभाष चंद्र बोस के लिए कंपटीशन वाली भावना नहीं है, देख देख नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है योग्यता की यहाँ पर बात है कि सच में जो सुभाष चंद्र बोस जी है, जिसको नेताजी का बिरुद मिला था, वो ज्यादा हकदार है भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और अगर वो आ जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस और भी ज्यादा आगे होगी, और ज्यादा मेजोरिटी और लेस कंपटीशन, और उन्हीं की अध्यक्षता के तहत भारत देश जो है आगे बढ़ना चाहेगा। तो ये था पहला यहाँ पर पॉइंट इन दोनों की कनेक्टिविटी का। फिर है दूसरा कि बोस जो है सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी, उन्होंने आबिद हसन के साथ जो है पहला सिक्का उछाल के दिया था, जय हिंद, ऐसा पहला नारा दिया था कि हिंद की जय हो हिंद की, हिंद जय, जय हिंद। ये लाल किले पर ये आए तो जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को जो है करेंसी बना दिया, देश को जो है आगे बढ़ा दिया, पहियों पे ला दिया, भारत जिसको महान बना दिया, हिंद जो भारत जो एक दशक लगा इस चीज को प्राप्त करने में, लेकिन आखिरकार इंडिपेंडेंस मिल गई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 के सब सेक्शन सब क्लोज 1 के अंदर देखा कि भारत क्या है, भारत की डेफिनेशन क्या है, हिंद क्या है, तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे ही एक साल होता है लाल किले से, तो यहाँ पर फिर से 15 अगस्त 1948 को जवाहरलाल नेहरू जी लाल किले से भारत के ध्वज को लहराते और कहते हैं कि फ्रीडम इज नॉट अ मेयर मैटर ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन और न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस, नॉट इवन अ मैटर ऑफ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसी। इफ इट इज ऑफ द माइंड एंड हार्ट एंड इफ द माइंड नैरो itself and is befogged and the heart is full of bitterness and hatred, then freedom is absent. दिल में सुकून, चैन, अमन, प्यार, मोहब्बत होनी चाहिए एक दूसरे के खिलाफ, दिमाग और दिल से जो है हर चीज को खुला करके पकड़ना है। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना या इकोनॉमी का खेल खेलना या पॉलिटिक्स करना, भारत की आजादी, स्वतंत्रता और जो है खुली हवा और ये अमन नहीं है। अमन होना चाहिए दिलों में, मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे के प्रति स्नेह, आदर, और ये जो चीजें हैं ये भारत की विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। बहुत सारी ये लंबी स्पीच थी, आप जो है आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग उस टाइम पीरियड के जो न्यूज़पेपर में आए थे। फिर 1965 की यहाँ पर जो है गोपाल कृष्ण गांधी बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जो तब उन्होंने ये कमान संभाली, तो उन्होंने कहा वेदर वी रिमेन और नॉट, लेट द कंट्री रिमेन स्ट्रॉन्ग, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन ये देश रहेगा और रहना चाहिए। और यहाँ पर मोरारजी देसाई के हाथ में कमान आती है 15 अगस्त 1977, जिन्होंने 1896 में जन्म लेते ही सोच लिया था कि एक ना एक दिन मैं जो है इस देश का यहाँ पर प्रधानमंत्री जरूर बनूंगा। बहुत बहुत वक्त लगा उनको, बहुत वक्त लगने के बाद भी जो है इन्होंने पूरी टर्म जो है गवर्नमेंट नहीं चलाई, लेकिन यहाँ पर उनके एक वर्ड थे, यू कैन कैच मी बाय ईयर एंड व्हेन आई मेक अ मिस्टेक बट डू नॉट कैच मी अलोन, कैच ऑल द कलीग्स ऑफ माइन इफ मिस्टेक्स आर कमिटेड, पकड़ना है तो यहाँ पर पूरी टीम को पकड़िएगा, और अगर कमिटमेंट ये देते हैं हम कि हम कभी मिस्टेक करने देखने ही नहीं मिलेंगे, दैट इज द काइंड ऑफ पीपल पावर वी वॉन्ट टू बिल्ड, तो ये चाहते थे ये हिंदुस्तान से। तो यहाँ पर जो पास्ट के जो लीडर्स थे उसकी यहाँ पर कंपैरिजन है आज के लीडर्स के साथ, कि पहले के जो लीडर्स थे वो एक अशोका की तरह थे, एम्परर अशोक, जो कलिंग वॉर जीत के यहाँ पर एक तरीके से ग्राउंड हार्टेड होके बात करते थे, और आज के जो पॉलिटिशियंस हैं तो वो 15 अगस्त को क्या कहते हैं, आज के जो हमारे प्रधानमंत्री है वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर
पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी जो है उनके सामने अभी बहुत सारे मसले हैं, जैसे आसाम का मसला, एनआरसी का मसला, हिंद का मसला, हिंद सेफ है कि नहीं है, दूसरा टेररिज्म, बॉर्डर पे कितना जो प्रॉब्लम है, इवन बॉर्डर से अंदर आए लोगों के बीच में जो हेटरेट है, इंटरनल पॉलिटिक्स जो है ये स्टेबल नहीं है, एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स जो है ये शेडो और पोलराइजेशन के बीच में चल रहे हैं, उसके बीच ये चेस्टिस और ये टेररिज्म का मसला है, पोलराइजेशन का मसला है, और सभी चीजों की इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि इसमें कोई यूनिटी देखने को नहीं मिलती। तो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है ये किसानों के लिए अब तक क्या कर चुके हैं कि 40,000 किसानों को उनके पास चल के जाना पड़ता है। गोपाल कृष्ण गांधी कहते हैं कि 40,000 किसानों को वहां पर चल के जाना पड़ता है, और हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश के जो नागरिक है उसके अंदर जो कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, संकलन किए हुए हैं, उनके बारे में सरकार ने क्या अब तक कुछ अच्छा नहीं सोचा? पॉइंट नंबर वन, आस्किंग अबाउट दिस थिंग टू मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर टू इज दैट कि पहले के टाइम पीरियड में देखें कि सरदार पटेल और आंबेडकर जो थे वो किंग मेकर्स थे। देखिए बारडोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, तो बहुत एफर्ट्स लगाए। तो कम्युनिटी एक चीज है, सोसाइटी एक चीज है, इकोनॉमी एक चीज है, और डेमोक्रेसी एक चीज है, और हिस्टोरिकल अगर आप देखें तो इंपेरेटिव तरीके से इन लोगों ने जो है देश के लिए बहुत कुछ किया है, वेरस देश से इन्होंने कुछ लिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री है वो 1947 के अंदर जैसे ही नेहरू ने बोस को याद किया और पूरी चीज को जो है लोगों के दिलों पर छा दी, तो उस तरीके से क्या अपनी ये 15 अगस्त की स्पीच के अंदर से वो अपने अंदर से पॉलिटिशियन को नहीं बल्कि एक भारत के प्रधानमंत्री की आवाज से बात कर सकेंगे कि हर बार की तरह इस बार भी जो है पॉलिटिक्स का मसला उठा के खड़े हो जाएंगे, 19 के चुनाव की बातें करेंगे, या फिर एक भारत के जिम्मेदार नागरिक और भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से झंडा लहराएंगे और लोगों के सामने अपने दिल के अंदर की आवाज को प्रस्तुत करेंगे और देश को यहाँ पर दीपक के साथ प्रज्वलित कर देंगे। तो देखने को रहेगा आज 15 अगस्त की स्पीच के अंदर भारत का प्रधानमंत्री बोलता है या फिर एक पॉलिटिशियन बोलता है। तो ये है पूरा का पूरा यहाँ पर एक तरीके से टाइमलाइन, पॉलिटिकल एंगल से लेके देश को किन्होंने क्या दिया है और किस फील्ड ऑफ ट्रैक और फोकस के साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ कहाँ तक चली है। आज के इस एडिटोरियल के अंदर इतना ही। जय हिंद। ये आपके लिए शब्द है जो आपकी राइटिंग स्किल्स इन्हांस करेंगे, और यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों है, तो इसका आप यूज करना शुरू कर दीजिए। इन 10 शब्द का आप नोट डाउन करें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें ताकि ऐसा राइटिंग आंसर राइटिंग के अंदर आप यूज कर सके। वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइए। आपकी लाइक्स जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल को शेयर करें हर हिंदुस्तानी तक। आज का ये जो इंडियन द हिंदू एडिटोरियल है जिसके अंदर आज इंडिया के बारे में बखूबी बातें की गई है, सभी को इसके बारे में जो है लिंक शेयर करके बताइए, और आपको ये कैसा लगा ये भी हमें जरूर से कहिए। आपके कोई सुझाव हो तो वो भी हमें बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, एंड थैंक यू सो मच।